मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय को 75% आरक्षित किया, लेकिन स्थानीय कौन है ये जवाब जानना चाह रही है। ठीक है, क्वेश्चन 36 है 40 नवीन जी, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन आप दूसरा डाल रहे हैं और प्रश्न आप दूसरा कर रहे हैं, क्वेश्चन और है। क्वेश्चन पे तो बोल रहे क्वेश्चन, झारखंड के नौजवानों से बड़ा प्रश्न क्या है अध्यक्ष महोदय? अच्छा मुख्यमंत्री जी बोल दे। ठीक बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ बोलना चाहते हैं? हो सकता है कि आपके विषय को भी समेट रहे, आपके विषय को भी समेट ले बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये बात ठीक नहीं है, नहीं हुआ ठीक है, अपने प्रश्न का जवाब नहीं मांगेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक गिरिडीह ने जो अपनी बातें रखी है अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में भी मैं कुछ कहता हूं और माननीय हमारे हटिया विधायक जी ने भी स्थानीयता पर बात कही है। अध्यक्ष महोदय, हम कटिबद्ध है अध्यक्ष महोदय, यहाँ के मूल वासी आदिवासियों को रोजगार में शामिल करने का, सरकारी सुनिए ढुल्लू जी सुनिए ना पहले बाद में, सुनने का क्षमता रखिए ढुल्लू जी, पहले सुनिए ना। अरे आप सुनना चाहते हैं, आपके आग्रह पर मुख्यमंत्री जी खड़ा हुआ, फिर सुनना नहीं चाहते हैं, सुनिए बोलिए माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, रोजगार को लेके प्रवर समिति की प्रतिवेदन भी पटल पर आनी है अध्यक्ष महोदय, और उसमें जो समिति बनी थी पक्ष विपक्ष दोनों के लोग उसमें शामिल थे और लोगों ने अपना सुझाव भी दिया है अध्यक्ष महोदय। इससे बिल्कुल स्पष्ट है अध्यक्ष महोदय, सरकार पूरी तरीके से स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। वो भी बताएंगे अध्यक्ष महोदय, एक्चुअली दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय? ढोलू जी पहले सुन लीजिए, उसके बाद शंका हो अध्यक्ष महोदय, आप पहले आप अगर बोलिएगा तो बोल लीजिए। नहीं ढोलू जी आप आसन पर जाएं, आपको कुछ रखना है समसामयिक विषय पर तो आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुन तो लीजिए, सुन लीजिए उसके बाद रखिए, फिर जवाब देंगे। ठीक है भाई, अभी आधे मुख्यमंत्री आपके साथ है ना, एक मिनट बोलने दीजिए उसके बाद आपको भी देते हैं। सुदेश जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इनकी समस्या यही है अध्यक्ष महोदय, कि किसी भी स्तर पर गरीब कमजोर आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक को उसका अधिकार ना मिल पाए, ना 20 सालों में इन्होंने ना कानून बनाए ना नियम बनाए अध्यक्ष महोदय, और आज नतीजा है अध्यक्ष महोदय, पूर्ण बहुमत की सरकार 5 साल रहने के बावजूद आज ये कुर्सी मिलने के बावजूद भी कुर्सी पे खड़े हैं अध्यक्ष महोदय, जमीन पे बैठ गए हैं अध्यक्ष महोदय, और पूरे देश में अध्यक्ष महोदय आरक्षण की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अध्यक्ष महोदय, हर जाति को के लोगों को संख्या के आधार पर सरकार से आरक्षण की मांग करते आए हैं अध्यक्ष महोदय, परंतु वर्तमान समय तक जातिगत जनगणना कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को नहीं भेजा जा सका है अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय मैंने प्रधानमंत्री जी को मेल भेजा है, एक सर्वदलीय टीम के साथ उनके पास मुलाकात का हमने समय मंगाया है अध्यक्ष महोदय, 12 तारीख से 20 तारीख के बीच में अध्यक्ष महोदय, ताकि यहाँ पर ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, जो इनको आरक्षण देने की बात है 27% की, वो केंद्र सरकार पारित करे, इसको लेकर अपनी बातों को रखने हम लोग प्रधानमंत्री जी के पास जाएंगे,
और माननीय सदन के पक्ष के हमारे सदस्य और विपक्ष के भी सदस्य हमारे साथ जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम इन लोगों को न्योता देते हैं। जज जी माननीय, हाँ, आपका क्या सूचना था? जज जी, अच्छा है कि इतना गोलमाल में सूचना रख सकिएगा? रखिए रखिए, गोलमाल नहीं है कुछ, ठीक रखिए रखिए। आज अध्यक्ष जी, ढोलू जी, ए ढोलू जी, ए ढोलू जी, ए ए ए वीरेंद्र ढोलू जी, उतना आवेग में काय आ रहे हैं? काय आवेग में आ रहे हैं? आराम से बात रखिए, समाधान होगा। ढोलू जी बोल दीजिए। सुदेश जी खड़े हैं, सुदेश जी, माननीय सुदेश जी खड़े हैं आपके पीछे, बोल दीजिए। सुदेश जी का, सुदेश जी के बोलने के क्रम में काय व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, बोल दीजिए उनको, बोलिए सुदेश जी, बोलिए। अच्छा हुआ अध्यक्ष जी, आज दो दिन से जो विषय चल रहा है उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी प्रवेश किए और लगभग लगभग हाउस के सभी लोगों का यही है कि ये नियोजन वर्ष है और नियोजन वर्ष में सरकार की नीति को माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट करे कि स्थानीयता का आधार क्या होगा। नियोजन का आधार वो स्पष्ट नहीं है। स्थानीयता जो माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका दल और उनका जो रहा था कि खतियानी के आधार पर 1932 या अंतिम सर्वे को आधार मानते हैं कि नहीं, केवल इसका जवाब हम लोग चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि उसी तरह से हो या क्या चाहते हैं वो। स्थानीयता को किस रूप से परिभाषित करते हैं अभी तक क्लियर है नहीं। ये दूसरा, बैकवर्ड पर उन्होंने ओबीसी पर कहा है कि सर्वदलीय बैठक करने के लिए हम लोग जाएंगे दिल्ली। अच्छा है, उनका पहल है, लेकिन ये पहल राज्य के अंदर पहले हो जाए कि राज्य के अंदर इसको पहले तय कर लीजिए कि ओबीसी को आप देना चाहते हैं कि नहीं। प्रथम कैबिनेट आपका वादा था कि पहला कैबिनेट में ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सोच के ही आपने कहा था। तो ये दो वर्ष होने पूरा होने चले हैं, पहले राज्य में फैसला कर लीजिए। और भारत सरकार ने तो आपको तय कर दिया है कि भारत सरकार की ओर से राज्यों को ये अधिकार प्राप्त होने वाला है कि भाई आप खुद तय करें अपने वहां के ओबीसी को आप क्या देना चाहते हैं करके। तो ये एक भ्रम वाली स्थिति है। मैं आपके माध्यम से आसन से आग्रह करता हूं कि मुख्यमंत्री जी दोनों विषय पर बड़ा स्पष्ट जवाब देंगे ताकि हम लोग आश्वस्त हो पाए। नीलकंठ बाबू, आपको दे रहा है, आपको दे रहा है। बन्ना जी आपसे पहले हाथ उठाए, बन्ना जी आपसे पहले हाथ उठाए, इसके बाद आपको दे रहा है। अध्यक्ष महोदय बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कल जिस तरीके से माननीय विधायक सीपी सिंह जी ने अमर्यादित टिप्पणी की है और सामाजिक न्याय और सामंतवादी व्यवस्था इन्होंने दिखाई है, इसके लिए इनको माफी मांगने के लिए कहिए। अध्यक्ष महोदय, इनको माफी मांगना चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत कल सदन को शर्मसार करने वाली बात कही है। तो मैं माननीय सीपी सिंह जी को आपके माध्यम से कहूंगा कि इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, उनसे पहले हमारा आग्रह आप सबों से है कि जनता के गाढ़ी कमाई से चलने वाली सदन में हम सारे लोगों को जनता ने चुन करके भेजा है, इस समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो सुन लीजिए बात मेरा, लेट अस फिनिश माय सेंटेंस, प्लीज 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 लिसन मी, प्लीज लिसन मी व्हाट आई से, प्लीज लिसन मी व्हाट आई से। आप पहले तय कर लीजिए, माननीय सदस्य पहले आसन पर चलिए, सब बात होगा। आपका बात हम रखवाएंगे। चलिए थोड़ा नीलकंठ जी का बात सुन लेते हैं, नीलकंठ जी का, एक मिनट नीलकंठ जी का बात सुन लेते हैं, उसके बाद प्रदीप जी, फिर बंधु जी आपके ऊपर जाते हैं। नीलकंठ जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नीलकंठ जी को बोलने दीजिए। नीलकंठ जी बात रख रहा है, माननीय नीलकंठ जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य बात रख रहा है। थोड़ा सा विधानसभा का परंपरा, परिपाटी और मर्यादा, तीन को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखना, मेरा आग्रह है। मैं कोई भी नहीं, आग्रह थोड़ा रखना चाहिए, काफी सीनियर नेता है। अच्छा नीलकंठ जी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आप लोग इतना आपस में बटे हुए हैं जो हम क्या बताएं आपको। नीलकंठ जी का नाम आ रहा है तो कम से कम चुप होइए। अध्यक्ष जी,
अध्यक्ष जी, मान्य सदस्य, मान्य सदस्य, फिर आप लोग वापस में काहे बात कर रहा है? आसन की ओर मुखातिब होइए, आसन की ओर मुखातिब होइए, आसन पर जाइए। अरे नीलकंठ जी को भी तो पकस दीजिए, उनको भी पकस दीजिए। आपके दल के मान्य वरिष्ठ नेता है, कुछ अच्छा बात आपके लिए, सदन के लिए, राज्य के जनता के लिए रखना चाह रहे हैं, उसमें भी व्यवधान उत्पन्न करना है, बहुत मुश्किल है। बोलने दीजिए महोदय, पहले आसन को व्यवस्थित कर, हाँ कर रहे हैं सर, पर। और इसके बाद ये भी ध्यान में रहे अध्यक्ष महोदय, ये भी ध्यान में रहे, खाली उन लोग बोलने से हाउस नहीं, आप व्यवस्थित हो गया, आप सुनेंगे, जब बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है, कमिटमेंट कराइए। नहीं नहीं, अब बैठेंगे लोग, नीलकंठ बाबू बोल दिए, चलिए नीलकंठ बाबू जी, इसको ध्यान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन शांत हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए नीलकंठ जी, बोलिए अध्यक्ष जी। माननीय मुख्यमंत्री, बहुत देर के बाद सदन में अपनी बात को, भावना को यहाँ प्रकट किया अध्यक्ष महोदय। अभी सोनू जी अपना एक सूचना के आधार पर उसी विषय को लेकर के मुख्यमंत्री जी उठ करके सदन को बतलाने काम किया कि जातीय जनगणना अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए, इस पक्ष में हम लोग हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन अध्यक्ष महोदय एक चीज कहना चाहेंगे इसमें, चूंकि हम जैसे लोबिन दावी कर रहे थे कि ये झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, और अध्यक्ष महोदय हमारी जनसंख्या, आदिवासियों की जनसंख्या धीरे धीरे करके अध्यक्ष महोदय घटते जा रही है, इसी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जातीय जनगणना हो, इसमें हम लोग निश्चित रूप से सहयोग करेंगे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अभी जो हम लोग नियोजन नीति पर जो चर्चा कर रहे थे, तो नियोजन नीति पर चर्चा कर रहे थे, और जिस तरह नियोजन नीति में अध्यक्ष महोदय यहां पर सर्टिफिकेट का अध्यक्ष महोदय के माध्यम से नियुक्ति होगी थर्ड क्लास फोर्थ क्लास, तो अध्यक्ष महोदय जानकार यदि जनगणना हो तो हम किसका जनगणना करेंगे, किन लोगों को करेंगे? अध्यक्ष महोदय झारखंडियों करेंगे, मूलवासियों करेंगे, यहां जो रहने वाले लोगों करेंगे, किन का करेंगे? अध्यक्ष महोदय यदि हम झारखंड से बाहर भी जो आज यहाँ काम करने आ, वो भी हमारा भाई है, उनका भी जनगणना होनी चाहिए, इसमें आप लोग कोई विरोध नहीं है, उनका भी जनगणना होना चाहिए। लेकिन आदिवासियों का जो जनगणना घट रही है, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को चिंता करना चाहिए कि क्यों घट रही है और उसका जनगणना क्यों कम हो रहा है। जी, जातीय जनगणना में हम उनके साथ है, लेकिन हमारा घट रहा है, तो अध्यक्ष महोदय हम किसका जनगणना करेंगे इसका पहले तय होना चाहिए। तो इसलिए हो गया नीलकंठ जी, नीति में हम लोगों ने इसलिए कह रहे अध्यक्ष महोदय, अच्छा बंधु जी को बोलना, इसलिए बंधु जी को अध्यक्ष महोदय नियोजन नीति में हम इसलिए कह रहे हैं कि स्थानीय कौन है, खाली ये बतलाए। आ गया आपका, आ गया, ठीक। बंधु जी बोलिए, बंधु जी, अध्यक्ष महोदय, अच्छा थोड़ा उनको भी बोलने दीजिए, सदन में आप लोग कहे थोड़ा असंवेदनशील हो रहा है, जरा सा उनको भी सुनिए। इसमें राज के छात्र नौजवान से लेकर के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात जैसी मामला है, और अगर इस बात को जब सदन का नेता ने संज्ञान में लेते हुए अपनी बात को रखने के लिए खड़ा हुआ, हमारे तमाम माननीय साथियों से मैं आग्रह करूंगा, इसलिए कि स्थानीयता का लड़ाई लड़ने में इस प्रदेश में 6-6 लोगों का शहीद हुआ, इस बात को ध्यान देना चाहिए। और इस लड़ाई में मेरी क्या भूमिका रही है और भी साथियों की क्या भूमिका रही है, ये किसी से भूला नहीं जाना चाहिए। मैं कहना सिर्फ यही चाहूंगा, अगर सच्चाई में अगर आप नियोजन नीति चाहते हैं, स्थानीयता की बात कहते हैं, तो हमारे सदन नेता जब खड़ा हुए तो उसको बोलने तो दीजिए, अगर कुछ बात आप चुपचाप क्यों तो बोलने दीजिए उसको। अध्यक्ष महोदय मैं इन्हीं के बातों कहूंगा, अध्यक्ष महोदय आप सुनो तो अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के द्वारा अध्यक्ष महोदय निजी कंपनियों में 40,000 तनखा के पद पर 75% लोगों को नियुक्ति आरक्षण देने का ये ऐतिहासिक कानून बनाया है, लेकिन मैं इन्हीं लोगों को कहूंगा ऐतिहासिक कानून है, लेकिन स्थानीय कौन, इसके बारे में भी
आज सरकार को चिंता कर, आप ही का बात बोल रहे हैं, आप ही का बात है, सुनिए आप ही का बात कर रहे, सुनिए। आखिर स्थानीय कौन, साथ में अध्यक्ष महोदय, इसमें अगर इस कानून का उल्लंघन करने पर 5 लाख का दंड की बात कही गई है, कल आपका जो प्रारूप समिति में भेजा गया था, ये प्रारूप कमिटी भी शायद इससे थोड़ा नजर हट गया, तो आप कहेंगे कि भाई मेरा इस पर बात है कि जब इस राज्य की जनता के लिए नौजवान को नियुक्ति नियोजन के बारे सोचते हैं तो माननीय सदस्य थोड़ा संक्षेप में, संक्षेप दंड का आधार क्या होगा, इसके लिए आप सोशल इंजीनियरिंग को लोकेट करने के लिए आपका गाइडलाइन नहीं है, तो स्थानीयता को आपको तो परिभाषित करना ही होगा, ये करना ही होगा। आप माननीय श्री संजीव सरदार जी, हो गया, हो गया, हो गया। संजीव सरदार जी बोलिएगा। अरे भाई तो मुख्यमंत्री बोल रहा है, आप लोगों तो नकली हो, आप मुख्यमंत्री को बोल रहे, उसके बाद आप बोलिए। अच्छा प्रदीप जी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, हो रहा है, मुख्यमंत्री भी कुछ बोलेंगे, नीलकंठ बाबू के बात पर सदन नेता भी कुछ बोलना चाह रहा है, बोलने दीजिए, समाधान की ओर आ रहा है, समाधान की ओर आ रहा है ओझा जी, आनंद बाबू, आनंद बाबू समाधान बोलिए। जब से राज्य बना है एक अहम विषय रहा है, कौन स्थानीय, किनको कितना आरक्षण मिले, और हमें लगता है कि एक बार आरक्षण के प्रयास हुए कि भाई पिछड़ों को भी 27% आरक्षण मिले, उस समय सुप्रीम कोर्ट में ये क्लियर नहीं था, ये 2005 में ही क्लियर हो गया। अरे भाई, और 2005 के बाद अध्यक्ष महोदय आज तक फैसला नहीं हुआ, ये सरकार मनसा बनाई है, जो इनकी बातों से झलकता है कि पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, तो ये विषय एक अहम है, दूसरा आप लोग चलिए, हम बोलवा रहे हैं, आप लोग चलिए, हम बोलवा रहे हैं, आप लोग आसन पर चलिए, माननीय सदस्य आसन पर चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, बोलेंगे चलिए आसन पर, यह तो ये कदम है अध्यक्ष महोदय, ये तो पहला कदम है, और चीजें परिभाषित करने की जरूरत है, लेकिन उसके तरीके ये शोर शराबे से नहीं होगा, इनको जब मौका मिला ये किए नहीं, अब दूसरे लोग करते तो अपना श्रेय लेने के लिए, केवल वो अल्लाह है, इस वो अल्लाह से नहीं होगा, उसके समाधान के रास्ते निकालने होंगे। अब ठीक बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब आप लोग आसन पर जाइए, अब आप लोग आसन पर जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बैठिए नीलकंठ बाबू, बैठ बैठ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, पिछड़ों को आरक्षण को लेकर बातें सदन में आई, और राज्य सरकार भी इस पक्ष में है कि पिछड़ों को आरक्षण मिले, लगभग पक्ष विपक्ष दोनों का, सभी लोगों का सर्वसम्मति है, इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को जाना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से, और तो मैं तो चाहूंगा कि देश हित में, राजहित में, वर्गों के हितों में राज्य सरकारों को भी पहल करना चाहिए। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, सदन को देश के अंदर, राज्य के अंदर, वर्गों के ऊपर हो रहे नए नए प्रयोग पर भी नजर रखना चाहिए, विधानसभा को, विधायिका के इस मंदिर में उसकी चर्चा होनी चाहिए, और सबकी भावना के साथ हम लोग भी सहमत हैं पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए, सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने के लिए। साथ साथ मैं अध्यक्ष महोदय, यह भी होना चाहिए, जिस तरीके से विगत लगभग साल भर होने जा रहे हैं सड़क पर किसान भटक रहा है, और कृषि कानून के विरोध में भी एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, और केंद्र सरकार को भेजना चाहिए अध्यक्ष, और अध्यक्ष महोदय जहां तक रोजगार नियोजन नीति की बात है अध्यक्ष महोदय, ये पहला कदम है अध्यक्ष महोदय, आगे आगे देखिए, नियोजन नीति भी आएगा, स्थानीय नीति भी आएगा, 32 होगा तो 36 होगा, ये भी आपके सामने आएगा, और आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, आपको जो वक्त भी दिया गया था आपने वो वक्त खो दिया है, और आज वो नतीजा है कि आज आप उस तरफ बैठे हैं और कल आप इस सदन से बाहर नजर आएंगे। संजीव सरदार जी, माननीय सदस्य संजीव सरदार जी,
माननीय सदस्य संजीव सरदार जी, संजीव सरदार जी। अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है मैं उसमें संतुष्ट नहीं हूँ। बताइए, पूरा पूछिए, पूरा पूछिए। क्या पूरा पूछिए? पोटका प्रखंड के बंधुआ ग्राम है, थोड़ा थोड़ा जनता का काम होने दीजिए। जो बंधुआ ग्राम है, थोड़ा पब्लिक का काम होने दीजिए। खाना लगाया जनता का काम होने दीजिए, जनता जनार्दन है, द्वारा थोड़ा होना दीजिए। उस कंपनी द्वारा की क्षेत्र जो पोल्यूशन और प्रदूषित हो रहा, उसमें कोई एक ऐसा बीमारी फैल रहा जिसके कारण कोई एक मवेशी और उस क्षेत्र के लोग भी ग्रसित हो रहे हैं, और जिसके चलते कोई एक लोगों को जान भी गया उस क्षेत्र में। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बोलिए। महोदय, जहाँ तक मैं सब शालिग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बंधुआ।